हाँ भाई, तो तुम्हारा तुम पुनः स्वागत करता हूँ मैं अपने परिवार पर, अपना जो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट, हमारा जो परिवार है, डिजिटल परिवार है जिसको बोलते हैं हम क्या सभी बोलते हैं, डिजिटलाइजेशन तो है ही, तो उसमें मैं तुम्हारा दोबारा से स्वागत करता हूँ। और हमारा जो भी 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, तो आज मेरा मन था नया चैप्टर स्टार्ट करें, लेकिन एक दो बात पुराने चैप्टर की और बता देते हैं तुम्हारे लिए, थोड़ा अच्छा ही रहेगा। तो मैंने सार्थक अंकों पे बात छोड़ी थी, नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे आज ही, पर सुन लो मैंने बात कहाँ पे छोड़ी थी, सार्थक अंकों पे। तो सार्थक अंक के बाद मापन की कुछ इकाइयाँ हैं, मैं बोल के बताऊंगा तो मैं लिखाऊंगा नहीं, तो मापन की जो इकाइयाँ हैं उनको निर्धारित किया गया। क्या किया गया? मापन की इकाइयों को निर्धारित किया गया। तो निर्धारित करने के लिए जो IUPAC था, मतलब एक संस्था है IUPAC, उसने 7 मापक बनाए। कितने मापक बनाए? 7। 7 मापक बनाए, 7 मूल मात्रक बनाए उसने। साल क्या बनाए? 7 मूल मात्रक बनाए, जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर था, द्रव्यमान का मात्रक केजी था, मात्रा का मात्रक मोल था, टाइम का मात्रक सेकंड था, ये सब कुछ उसने मात्रक, 7 मात्रक बनाए। इंडिया में NLP इसका काम करती है, मतलब मापन के लिए। विदेशों में पूरे संसार की बात करें तो IUPAC काम करती है। कौन सी करती है? IUPAC। और इंडिया में काम करती है NPL। कौन? NPL। NPL दो संस्थाएं हैं जो मापन की जो भी चीजें हैं उनको देखने का काम करती है। IUPAC फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और NPL की फुल फॉर्म नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये चीज रहेगी थी। 7 मात्रक बनाए, कितने मात्रक थे? मूल मात्रक 7। 7ों से ही दूसरे मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। इंडिया में तो ये काम करती है, और वर्ल्ड में ये काम करती है, वर्ल्ड में ये काम करती है। तो ये वाली बात तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसी तरह मैं चाहता हूं कि बहुत हो गया पहला चैप्टर, अब दूसरा चैप्टर चालू करते हैं। दूसरा चैप्टर का तुम्हारा नाम है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सुन लो क्या क्या बात है इसमें। पहले ही चैप्टर में मैंने तुम्हें महर्षि, हमारे देश के महर्षि कणाद थे, उनके बारे में बताया, डेमोक्रेट्स और ल्यूसीफस के बारे में बताया, डाल्टन ने भी जो डाल्टन का सिद्धांत दिया उसके बारे में ही बताया, और डाल्टन ने और जितने भी थे उन सभी ने परमाणु को, जो द्रव्य का मूलभूत संरचनात्मक परमाणु वो भाग है उसको परमाणु बोला था, जो कैसा था? अविभाज्य था, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता था, उसको क्या बोला था? परमाणु। ठीक, तो आज हम नॉर्मली जो जितना तुमने 9th में परमाणु के बारे में पढ़ा है उन उन बातों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और कुछ 11th की बातें भी जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, तो 9th में तुमने पढ़ा परमाणु की संरचना में कि जो परमाणु है उसमें पहले डाल्टन का सिद्धांत है। डाल्टन के सिद्धांत के बाद कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों का मतलब ये है कि उसमें परमाणु के अंदर जो कुछ भी बाद में खोजी गई वो हैं, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी खोजी। ठीक है, इनकी खोज के बाद आया परमाणुओं के मॉडल। क्या आए? परमाणु के मॉडल। तो परमाणु के मॉडल में तुमने 9th क्लास में लगभग 3 मॉडल पढ़े हैं। कितने मॉडल पढ़े? 3। इसमें पहला है प्लम पुडिंग मॉडल, पहला कौन सा है? प्लम पुडिंग मॉडल। दूसरा कौन सा है? रदरफोर्ड वाला है, नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, जिसको बोलते हैं नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। और तीसरा है नील्स बोर बुरी वाला, नील्स बोर का हाइड्रोजन प्रतिरूप मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल तुमने 9th में पढ़े थे, और यही 3 मॉडल अब यहाँ पढ़ेंगे हम। कहाँ पढ़ेंगे? इसमें 11th में भी इन्हीं 3 मॉडलों को पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर है ये परमाणु की संरचना, यही मॉडल पढ़ेंगे। साथ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे कैसे हुई उनके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाएगा, सेम ऐसे ही जैसे तुमने 9th में भी किया था। ठीक है,
तो बात करें जो एटम शब्द है, कौन सा है एटम, एटम जो शब्द है वो एटम शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के, ग्रीक भाषा के, क्योंकि साइंस में जितनी भी शब्द लिए गए हैं वो ज्यादातर दो ही भाषाओं से लिए गए हैं। ज्यादातर शब्द तुमने देखा होगा जैसे एसिड है या कोई और शब्द है, या तो ग्रीक से लिया गया है या फिर लैटिन से लिया गया है, या तो ग्रीक से है या लैटिन से है, इन दोनों भाषाओं से ही ज्यादातर शब्द वहीं से आए हैं। तो एटम जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया, किससे, एटोमियो से, एटोमियो से लिया गया है, जिसका मतलब है जिसका एटोमेसिस से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है, नहीं विभाजित हो सकने वाला, नहीं विभाजित हो सकने वाला। इसी से समझ जाएंगे, तो इसी से समझ जाएंगे किसकी, सब एटम की परिभाषा क्या होगी, मतलब कोई भी द्रव्य है उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई, मूलभूत संरचनात्मक इकाई, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होगा, एटम से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, एटम से शुरू हो गया होगा। और द्रव्य में चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से शुरुआत होगी, उसकी एटम से, क्योंकि एटम वो पार्ट है जिसको दोबारा नहीं तोड़ा जा सकता, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जब खोजें निरंतर होती गई, क्या होती गई, खोजें निरंतर होती गई, तो उसमें बहुत सारे और सब सम एटॉमिक पार्ट्स, सम एटॉमिक पार्टिकल्स या अपरमाणविक कण उसमें से खोजे गए। तो सब पर एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से थे, पहला तो प्रोटॉन था, कौन था, प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन था, पॉजिट्रॉन था, पॉजी ट्रॉन था, न्यूट्रीनो थे, न्यूट्री नो थे, वो भी एंटी न्यूट्रीनो और न्यूट्रीनो थे, कुछ जगह मेसोन भी होता है, मेसोन भी थे, मतलब इतने पार्टिकल ज्यादातर थे, और भी एक आध दो हो सकते हैं। मेन हम पढ़ते हैं इन तीनों को, मेन किन किन को पढ़ा जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ा जाता है, और वैसे ये भी हो सकते हैं, ठीक है। मेन पार्ट्स की बात पहले करेंगे, और जब मॉडल की बारी आएगी, किसकी बारी आएगी, मॉडल की बारी आएगी, परमाणु के मॉडल को बताएंगे हम, तो मॉडल में बताया जाए कि ये तीनों परमाणु जो ये जो पार्टिकल हैं, तीनों पार्टिकल हैं वो नाभिक में हैं, या परमाणु जो है उसमें किस किस जगह पे पाए जाते हैं, परमाणु में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, उस पाए जाने के लिए ही जो तीन चार मॉडल तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं वो तीन चार मॉडल आए, कि परमाणु तो बना दिया, क्या हुआ, परमाणु तो बना दिया, अब इस परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, उनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, उसके लिए बनाए गए क्या परमाणु मॉडल, बनाए गए परमाणु प्रतिरूप बनाए गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर रहेगा आज, इसके बाद बहुत सी चीजें और भी होंगी, जैसे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं, कैसे आवर्त सारणी आई, उन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो आज का टॉपिक यही रहेगा हमारा, ठीक है, यहीं तक। तो मेन बात यह थी कि जो एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा के एटोमियो से वन लिया गया, जिसका अर्थ होता है नहीं विभाजित हो सकने वाला। अब बात कर रहा था मैं अपने यहाँ के वैज्ञानिक, वो थे अब एक ऋषि थे जिसको महर्षि कणाद बोलते हैं, उन्होंने भी परमाणु को ऐसे ही डिवाइड किया कि परम अणु, परम अणु मतलब सबसे छोटा अणु जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बोलते परमाणु, ठीक है। एक बात, एक डेमोक्रिट्स थे, एक ल्यूसिपस थे, उन्होंने भी परमाणु को इसी तरह ही बांटा था। अब आए डाल्टन, अब कौन आए, डाल्टन, तो डाल्टन ने भी परमाणु को इसी तरह ही बांटा था कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण ही क्या होता है, परमाणु हो सकता है, जिसको दोबारा से विभाजित नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसको नहीं बांट सकते, ठीक है।
ये था परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की और बात करूं तो डाल्टन के परमाणु ने में कहा गया था, उसने अपने मॉडल में कहा कि कोई भी तत्व के जो परमाणु होते हैं उन सभी परमाणुओं का, चाहे वो फिजिकल करेक्टर हो चाहे वो केमिकल करेक्टर हो, चाहे वो फिजिकल उसका नेचर हो या फिर केमिकल नेचर हो, वो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके केमिकल नेचर और फिजिकल नेचर क्या आएंगे, सेम आएंगे। अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग हो सकते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो मिलने पर एक ही तरह के परमाणु जब आपस में मिल जाएंगे तो तत्व का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, तत्व का। और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो यौगिकों का निर्माण होगा, और वो भी निश्चित अनुपात में। किस अनुपात में, निश्चित अनुपात में। दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलेंगे तो निश्चित अनुपात में मिलने पर ही यौगिक का निर्माण होगा। और जो यौगिक बनेगा वो किस, उसकी जो कंडीशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो दोनों ही गुण अपने दिखाएगा। जैसे NaCl ले रखा है तुमने, तो NaCl में दो तत्व हैं, एक तो Na और एक Cl है, तो Na और Cl दोनों को मिला के एक यौगिक बन गया, ठीक है। लेकिन अगर इनको डिवाइड करें, इनको बांटें Na में और Cl में, तो दोनों ही जो लक्षण है दोनों के, वो अपने अपने प्रकट करते रहेंगे। तो बात ये थी डाल्टन के सिद्धांत की, ठीक है, जो इन्होंने अपना मॉडल दिया। अब किसकी बात आई, उसमें जो सबएटमिक पार्ट्स होते हैं, सबएटमिक पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबएटमिक पार्ट में पहली बात आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो सबएटमिक पार्ट्स लिख लो, परमाणु में सब एटमिक पार्ट्स मतलब अब परमाणविक कण मुख्यतः मतलब बहुत जरूरी वाले कितने होते हैं, तीन होते हैं मुख्यतः, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ये तो तीन मुख्य है ही है। मतलब जब कहीं भी परमाणु की बात होगी तो तुम तीन अन्य तो जरूर दिमाग में सेट कर लेना, तीन पार्टिकल्स को तो जरूर दिमाग में सेट कर लेना कि अगर परमाणु है तो ये चीज तीनों प्रेजेंट होंगी। लेकिन एक के केस में नहीं होती, कौन से केस में नहीं होती, हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन का जो केस है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, क्या नहीं होता, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता सिंगल हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। हाइड्रोजन केस में क्या ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। कब, जब इसका हाइड्रोजन कितने समस्थानिक है, तीन, तो पहला समस्थानिक जो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन वाला है उस स्टेज में ये नहीं पाई जाएगी, प्रोटियम वाला है। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तीन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम वाला जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं है, केवल एक तो प्रोटॉन है और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तीन परमाणु मुख्य होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज, साफ करके हेडिंग डालू, चलो सबको पहले साफ करते हैं फिर डालते हैं, बढ़िया वाली रेड वाली मार्कर से हेडिंग डाल के जब चालू करते हैं, रेड है जन गुलाबी है कुछ पता ही नहीं चलता है? चलो, तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा था, जे जे थॉमसन ने इनकी खोज की थी, ये ध्यान रखना है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने, ठीक है। अब सुनो, लगभग 1830 के लगभग 1830 में एक माइकल फैराडे थे, कौन थे, माइकल फैराडे थे, तो उन्होंने कहा कि जब किसी लवण के या किसी भी विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक क्रिया के बाद जो उसके अपव्यय थे, कंपोनेंट्स थे, अवयव थे, किसके, विलेय या विलायक के, वो आपस में बटकर होकर या विच्छेपित हो जाते हैं या फिर वियोजित होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, वियोजित होने लग जाते हैं, किसके अवयव,
उसके तो 1830 में फैराडे ने बताया था, कौन सा फैराडे, माइकल फैराडे ने कहा कि यदि किसी बिलियन में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बिलियन में से कण वियोजित या विच्छेपित वियोजित होने मतलब टूटने लग जाता है, आयनन उनका होने लग जाता है। किसने कही थी ये बात, माइकल फैराडे ने। अब माइकल फैराडे के जो इसने कुछ नियम भी दिए, दो नियम दिए थे, कितने नियम दिए थे, दो, और इन दोनों नियमों के बारे में तुम कक्षा 12 का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें तुम पढ़ लेना कि कौन कौन से नियम है, उनको पढ़ लेना, क्या है मैं ही उनको पढ़ाऊंगा अभी अगली क्लास में, तुम इस पर देख लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, अगली क्लास में शायद वहां पहुंच जाएंगे। तो माइकल फैराडे ने यह बात कही, तो इस बात, ये तो लगभग 1830 के लगभग कह दी। अब जो हमने अपने जे.जे. थॉमसन थे, तो उन्होंने एक कैथोड ट्यूब ली, क्या ली, कैथोड नलिका ली, और उस कैथोड नलिका में उन्होंने इलेक्ट्रोड लगाए। कैथोड नलिका में क्या लगाया उसने, इलेक्ट्रोड लगाए, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद जो किरण थी उनके ट्रांसफर देखा कि कहां से कहां वो निकलती है। कैथोड रे ट्यूब क्यों कहते हैं, उसको कैथोड ट्यूब क्यों बोला जाता है, वो भी मैंने बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर बात करते हैं। सुनो, पहले चित्र बनाओ फिर बात करेंगे। इन्होंने एक ट्यूब लिया, क्या लिया, ट्यूब लिया ऐसा, ये कांच का ट्यूब है, इसका ट्यूब है कांच का, एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड लगाने पर ये एक बैटरी से जोड़ दिए गए, किससे जोड़ दिए गए, बैटरी से जोड़ दिए, जुड़ गए। इसमें एक निर्वात पंप लगाया गया, वैक्यूम पंप लगाया गया, जिससे इसकी जो वायु थी वो खींच ली जाए, निर्वात पंप लगाया, और नीचे लग रही उच्च वोल्टता लग रही थी। ये वाला कैथोड का काम कर रहा था और ये वाला एनोड का काम कर रहा था, किसका काम कर रहा था, एनोड का। जब लाइट ट्रांसफर करेंगे तो कैथोड से किरण जाएंगी किधर, एनोड की तरफ किरण जाने लगेंगी, किधर जाने लगेंगी, एनोड की ओर किरण जाने लगेंगी। तो लिखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सुनो, एक निर्वात नलिका लेकर, नलिका लेकर उसमें दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड लगाए गए, और इलेक्ट्रोड कौन कौन से लगाए, कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रोड लगाए गए, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाए गए। निर्वात नलिका में
में निर्वात, नलिका में निम्न दाब, दाब व उच्च वोल्टता पर, उच्च वोल्टता पर किरणों का प्रवाह, किरणों या चमक या रे कुछ भी हो सकती है, किरण भी हो सकती है, चमक भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उच्च वोल्टता पर किरणों का प्रवाह, किरणों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होता है, की ओर होता है। कहां से कहां जाती है? ये कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, इसीलिए इन किरणों क्या बोला, कैथोड किरणें कहा। अतः इन किरणों को कैथोड किरणों को कैथोड किरण नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कैथोड किरण नाम दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये कैथोड से किधर जा रही थी? एनोड की ओर जा रही थी। कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करेंगे। यह ध्यान रखना कि ये दोनों जो हैं, ये और ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इलेक्ट्रोड्स किससे बने हैं? धातु की पट्टियों से बना सकते हैं, कार्बन रॉड से बना सकते हैं, किसी से भी ये इलेक्ट्रोड बनाए, ज्यादातर ये धातु की पट्टियों से ही बनाए जाते हैं दोनों, ठीक है। निर्वात पंप से क्या हुआ? दाब को कम किया गया, वायु को भी अंदर से खींच लिया गया, और जब किरण जब उसके सर्किट को ऑन किया तो किरण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होगा? इधर। लाइट का प्रवाह किधर होगा? इधर। इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे इधर और लाइट जाएगी इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यूं कर लियो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हो गया। नेगेटिव से पॉजिटिव तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन यूं, और लाइट जाएगी यूं। कैथोड किरण नाम दिया गया। इसकी जांच करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए क्या किया गया कि ये जो दीवार है, अब जांच करने के लिए ये तो देख लिया चमक उत्पन्न हो रही थी, एक चीज ये देख ली, अब इसको परखें कैसे, मतलब इसको परखें कैसे, परखने के लिए क्या किया गया, जो ये एनोड है इसको छिद्रित एनोड की तरह यूज किया गया, एनोड को छिद्रित लेने पर, छिद्रित लेकर इसके पीछे एनोड के पीछे, मतलब यहां अभी बताऊंगा दूसरा चित्र बना मुझे, इसको लेकर इसके पीछे ZnS जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया गया, ZnS का लेप किया गया। जब परिपथ को ऑन किया जाता है, ऑन किया गया तो ZnS पर, जिंक सल्फाइड पर जहां जो परत लगी उस पर, तो ZnS पर कुछ चिन्ह प्रदर्शित हुए, कुछ चिन्ह दिखाई दिए, किस पर? एनोड पर। एक चित्र तो ही है, अब ऐसा चित्र तुमने बना लिया होगा, अभी दूसरा देखो। दूसरे में क्या किया कि और सब तो यही था, जो निर्वात नली बनाई गई थी वो कुछ इस तरह ही बनाई गई थी, ठीक है। उसमें यहां लगे हुआ था पैनल, कहां लगा हुआ था अपना? यहां ये पैनल लगा रखा था, यहां कैथोड था। अब ये जो थी इसमें क्या थे? एनोड में छेद थे, होल बने हुए थे, होल
बने हुए थे, होल बने हुए। तो ये जो दीवार थी यहां पे क्या कर रखा था, जेड एन एस का लेप लगा रखा था, जेड एन एस का लेप लगा रखा था। अब किरण जो निकली वही निर्वात है, ये निर्वात पंप है यहाँ पे, और ये उच्च वोल्टता है, उच्च वोल्टता है, ये वही कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, तो हुआ ये जब कैथोड से एनोड की तरफ किरण गई, कहाँ गई, कैथोड से एनोड की ओर किरण गई, तो एनोड से होते हुए किरण कहाँ पहुंची, जेड एन एस वाले लेप पर पहुंची और वहां कुछ चिन्ह दिखाई दिए। इसका मतलब ये था कि जो कैथोड होते हैं वो कैसा होता है, जो किरण थी उन पर आवेश कैसा था, नेगेटिव आवेश था। तो आगे क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त कैथोड किरणें किरणें ऋणावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो ट्रांसफर है वो किधर होता है, ऋण से और माइनस की, मतलब माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि एनोड क्या होता है, प्लस, ठीक है, और कैथोड क्या होता है, माइनस। तो एनोड से एनोड की ओर उनका प्रवाह हुआ, और ये कौन सा आयन बता दिया इसमें, ये कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। लिखो पहले इसको, फिर बात करते हैं आगे। सुनो अगली बात, अगली बारी बात सुनो। अब जो जे जे थॉमसन थे उन्होंने आवेश, विद्युत आवेश, कौन सा आवेश, विद्युत आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो अनुपात ज्ञात किया उसके बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, आवेश द्रव्यमान अनुपात ये क्या था। तो पहले चित्र बनाओ, चित्र में क्या था कि इन्होंने एक ट्यूब ली ऐसी, छोटी ट्यूब बना लो, चलो एक ट्यूब ली ऐसी, ठीक है, उस ट्यूब में ये निकाला और ये निकालने के बाद यहां लगा दिया एक पर्दा, क्या लगा दिया, पर्दा। यहां एक प्लेट थी, एक इलेक्ट्रोड था और यहां एक इलेक्ट्रोड था, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य लगा दी इसने वोल्ट था, क्या लगा दी, वोल्टता लगा दी, ये तो प्लस ये माइनस, वोल्टता लगा दी। वोल्टता लगाने के साथ साथ इसने यहां क्या लगाया, विद्युत आवेश लगाया, ये प्लस ये माइनस, और विद्युत आवेश के साथ साथ ही इसने एक चीज और लगाई, वो क्या लगाई, वो लगाई थी चुंबकीय क्षेत्र, एन ध्रुव और एस ध्रुव, एन ध्रुव और एस ध्रुव। थोड़ा और नीचे बना देते हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा हो तो थोड़ा और नीचे देख लो, तो ये बनाया था इसने यहां, यूं कर लेते हैं, ठीक है, और ये यहां पे, ये प्लस ये माइनस, ये एन और ये एस। अब जो किरण गई थी वो कैसे गई, यूं गई, ठीक है, यूं निकली किरण, सीधी जा रही थी वैसे, ये ध्यान रखना। तो एक किरण तो ऊपर गई, जा क्यों नहीं वो भी बताऊंगा मैं, और एक किरण नीचे गई, ये वाली बात, इसको ए पॉइंट कहते हैं, इसको बी पॉइंट कहते हैं, इसको सी पॉइंट कहते हैं, ये वाली बात। पहले ऐसा चित्र बनाओ फिर बात करते हैं, ठीक है, ये चित्र बन गया, लिख लो इस पे, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये वाला और ये वाला विद्युत विसर्जन है, विद्युत है, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये बात थी।
और ये उच्च वोल्टता है, ये क्या है उच्च वोल्टता है, ठीक है। इतनी चीजें हैं। उन्होंने किया क्या, जे जे थॉमसन ने, अभी समझ जाएंगे तुम, चित्र देख लो बस। जे जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को, किरणों को विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य लेकर ये दोनों आपस में कैसे थे, लंबवत थे। ये ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र आपस में कहते हैं लंबवत थे, के मध्य लेकर प्रतिदीप्ति एक पर्दे पर प्राप्त की, एक पर्दे पर प्राप्त की, किस पे प्राप्त की, एक पर्दे पे। तो ये क्या है, एक पर्दा है जिस पर ये चीजें दिखाई देंगी, प्रतिदीप्ति प्राप्त की। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, मतलब ये आपस में क्या होंगे, विक्षेपित होगी जो किरण ये आ रही है। अगर केवल विद्युत क्षेत्र पर देखेंगे तो किरण ए की तरफ जाएगी, अगर केवल चुंबकीय क्षेत्र पर दिखाई जाए तो सी की तरफ जाएगी, और दोनों को समान कर दें तो बी की तरफ जाएगी। ये बात थी पर्दे पर प्राप्त की। इन्होंने पाया कि, क्या पाया कि जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, तो कैथोड किरण, कौन सी किरण, कैथोड किरण किरण विचलित होकर बिंदु ए की ओर जाती है, की ओर जाती है, किधर जाती है, बिंदु ए की ओर जाती है। कब, जब केवल विद्युत क्षेत्र काम करेगा, जब, तथा केवल चुंबकीय क्षेत्र काम करे, केवल चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो किरण, किरण कौन सी किरण, कैथोड किरण, किरण विचलित होकर किधर जाती है, सी की ओर जाती है, बिंदु सी की ओर जाती है, बिंदु सी की ओर जाती है। और इन दोनों को संतुलित कर दें तो, यदि दोनों को संतुलित कर दें तो, कौन कौन को, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित कर दें तो किरण, कौन सी किरण, किरण बिना विचलित हुए बिंदु बी की ओर जाती है, बी की ओर जाती है। मतलब दोनों अगर संतुलित हों, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो कहाँ जाएगी, बिंदु बी की ओर जाती है। इसी विचलन को ध्यान में रखते हुए, जो जे जे थॉमसन ने अनुपात निकाला, किसका निकाला, विद्युत क्षेत्र और आवेश और किसका, द्रव्यमान का अनुपात निकाला, जो तुम्हारा कितना प्राप्त हुआ वो मैं बताऊंगा तुम्हारे। इस प्रकार विचलन को ध्यान में रखते हुए, विचलन को ध्यान
में रखते हुए उन्होंने आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया। द्रव्यमान तथा आवेश का अनुपात ज्ञात किया। पहले यहां तक लिखो। आवेश का द्रव्यमान ज्ञात किया। हटा दूं? हटाओ। कितना आया वो सुन लो। कितना आया वो सुनो। तो वो आया अनुपात E अपॉन M बराबर है 1.7788 इंटू 5 और है बीच में, यहाँ 5, 8 है, 10^11 कूलाम के जी इनवर्स। तो E जो है वो तो क्या है, आवेश है, ठीक है। और M जो है वो द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये वाली बात थी, ठीक है यहां तक। अब बात आती है कि जो कैथोड किरणें थी उनके गुण क्या थी, कैथोड किरणों के गुण लिख लिया। ये आगे बात करो, लास्ट है आज का, ये कैथोड किरणों के गुण वाली बात लास्ट है। कैथोड किरणों के गुण, मतलब नेचर ऑफ कैथोड रेज या कैरेक्टर ऑफ कैथोड रेज। तो पहला तो यही है, ये कौन से आवेश होती है? ऋण आवेश होती है। तो कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, पहली बात तो ये थी। अब जब ये किरण ऋणावेशित हैं और अगर तुम विद्युत क्षेत्र लगाएं या चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो वो आपस में विक्षेपित होती हैं। दूसरा, ये चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। कैथोड किरणों के कणीय प्रकृति को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कणीय रूप को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो एक हाइगेंस थे उन्होंने कहा था कि जो भी किरण है उसका दोनों तरह का नेचर होता है, कणीय नेचर भी होता है और तरंग नेचर भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर टॉपिक अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी तुम्हारे साथ में पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो ज़रूर करें। थैंक यू। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ठीक है।